इससे पहले क्वेश्चन स्टार्ट करें, आपको मैं बता देता हूँ प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रेस। ट्रेस ऑफ ए बी, ट्रेस ऑफ ए बी इज इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ बी ए, ठीक है। फ्रॉम दिस प्रॉपर्टी वी कैन से ट्रेस ऑफ ए बी सी इज इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ, जैसे ए बी को अज्यूम ए बी एज एक्स, सी इज सेकेंड मैट्रिक्स, तो हमारे पास आ जाएगा ट्रेस ऑफ सी ए बी। सिमिलरली वी कैन से दैट इट इज इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ बी सी ए, बट नॉट इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ बी ए सी। साइकिल डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है इसमें ट्रेस वाले क्वेश्चन में, ओके तो और एक और प्रॉपर्टी मैं आपको मीन्स दैट यू शुड नो, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, वो है ट्रेस ऑफ पी इनवर्स ए बी इज इक्वल्स टू ट्रेस ऑफ ए। ये प्रूव अगर आपको करना है तो आप प्रॉपर्टी ट्रेस ए बी इक्वल्स टू ट्रेस बी ए अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पर, बाय टेकिंग पी इनवर्स ए एज एक्स, दिस एज वाई, तो हमारे पास ट्रेस ऑफ ए आ जाएगा। और इस पर बेस्ड 2019 में एक मल्टीपल चॉइस बहुत ही शानदार क्वेश्चन आया था, वो आप चेक कर सकते हैं। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, हमारे पास ए की वैल्यू दी हुई है, ए जो है ए इज गिवन, इट्स ऑर्डर इज 3x3, बी इज प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस हैविंग ऑर्डर 3x1 एंड 1x3। जब आप ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बी का जो ऑर्डर होगा वो क्या आ जाएगा, ए बी का ऑर्डर आएगा 3x3। और हमें चाहिए क्या, हमें तो ए बी, ट्रेस ऑफ ए बी होल पावर 5 चाहिए। इट मीन्स 3x3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना है, वो लेंथी हो जाएगा जिसे कैलकुलेट करना एग्जाम में तो एटलीस्ट वी कांट थिंक अबाउट दैट। तो वॉट वी हैव टू डू इन दिस, ट्रेस ऑफ ए बी होल पावर 5 अगर हमें फाइंड करना है तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ना, ए बी ए बी ए बी ए बी लाइक दिस। और एक और बात आपको इस क्वेश्चन में ध्यान रखनी है, बी इज प्रोडक्ट ऑफ टू मैट्रिसेस, तो उन टू मैट्रिसेस को एक्स वाई मान लें। अब हमें क्या चाहिए, हमें तो चाहिए ट्रेस ऑफ ए बी होल पावर 5, ठीक है। ए बी होल पावर 5 का मतलब ये हुआ कि ए बी 5 टाइम्स हमें लिखना है, ए बी 5 टाइम्स हमें लिखना है, और ए बी का मतलब ए एक्स वाई, ए एक्स वाई, राइट, हाउ मेनी टाइम्स, 5 टाइम्स, ठीक है। हमें ये पता है कि ऑर्डर ऑफ ए एक्स वाई इज 3x3, नेक्स्ट ऑर्डर 3x3, नेक्स्ट ऑर्डर, इट मीन्स 5 टाइम्स वी आर मल्टीप्लाइंग ईच ऑर्डर 3x3, तो फाइनल जो होगा उसका ऑर्डर भी 3x3 ही रहने वाला है। लेकिन अगर मैं y को यहाँ से शिफ्ट करके यहाँ लगा दूँ, मतलब कि इस पूरे को एक मैट्रिक्स माना, y को दूसरा मैट्रिक्स माना, तो ट्रेस ऑफ ए बी इक्वल्स टू बी ए, तो हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगा वो आएगा वाई ए एक्स टाइम्स वाई ए एक्स टाइम्स वाई ए एक्स वाई ए एक्स वाई ए एक्स 1 2 3 4 5, ये हमारे पास आएगा। ऐसा क्यों किया वो ज़रूरी है समझना, क्योंकि वाई जो मैट्रिक्स है उसका ऑर्डर 1x3 है, वाई इज 1x3, ए इज 3x3 एंड एक्स इज 3x1, तो वाई ए एक्स का ऑर्डर कितना होगा, दिस इज 1x1, इट मीन्स दिस इज 1x1, 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 यानी कि अब हम 1x1 मैट्रिक्स को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो हमारा जो प्रॉब्लम थी ना कि 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करना, वो रिड्यूस हो गई, इनफैक्ट बिल्कुल ही रिड्यूस हो गई वो। तो हमें क्या, अब हमारा प्रॉब्लम क्या बचा है कि वाई ए एक्स की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, ठीक है। तो आप वाई की वैल्यू एक बार देख लो, 3x1, ए की वैल्यू देख लो, बी की वैल्यू देख लो, और कैलकुलेट करो वाई ए एक्स। सबसे पहले वाई ए एक्स क्या वैल्यू आ जाएगी इसकी, वाई ए एक्स सिंप्लीफिकेशन मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, इसे जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास ये वैल्यू आ जाएगी 1x1 मैट्रिक्स, मल्टीप्लाई करके आप देख सकते हैं, और मल्टीप्लीकेशन के बाद आपके पास -x² प्लस 5ax -99 वाई ए एक्स की वैल्यू आ गई। अब हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए ट्रेस ऑफ
वाई ए एक्स होल पावर 5, ठीक है। दिस इज फर्स्ट टर्म। नेक्स्ट नेक्स्ट इज ट्रेस ऑफ वाई ए एक्स, ट्रेस ऑफ नेक्स्ट वन इज ट्रेस ऑफ ए बी होल क्यूब, ट्रेस ऑफ ए बी होल क्यूब, बट ट्रेस ऑफ ए बी इज ट्रेस ऑफ वाई ए एक्स ऑल्सो, सो ट्रेस ऑफ वाई ए बी, ट्रेस ऑफ वाई ए बी होल क्यूब इज लेस देन इक्वल्स टू 2 फॉर ऑल एक्स, इज लेस देन इक्वल्स टू 2 फॉर ऑल एक्स, ओके। ये हमारे पास आ गया। ट्रेस ऑफ वाई ए एक्स की वैल्यू हमें पता है, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, हम इस पूरे एक्सप्रेशन को मान लेते हैं, लेट इट बी इक्वल्स टू टी, ओके। तो क्वेश्चन इज नाउ टी पावर 5 प्लस टी क्यूब माइनस 2 शुड बी लेस देन इक्वल 0 फॉर ऑल एक्स, ये 0 से छोटा होना चाहिए हर एक एक्स के लिए। इसका क्या मतलब हुआ, इससे हमारे पास कंडीशन आएगी टी पर, इससे हमारे पास कंडीशन आएगी टी पर, अगर हम इसकी बात करते हैं टी पावर 5 प्लस टी क्यूब माइनस 2, ये किस वैल्यू के लिए, ये किस वैल्यू के लिए 0 से छोटा होगा, तो उसके लिए आप कंसिडर करें एक फंक्शन y इज इक्वल्स टू टी पावर 5 प्लस टी क्यूब माइनस 2, इसका डेरिवेटिव dy by dt इज इक्वल्स टू टी पावर 4 प्लस 3 टी स्क्वेयर, ठीक है, विच इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। मतलब ये हुआ कि दिस फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। अब ऑलवेज इंक्रीजिंग है, अगर ये ऑलवेज इंक्रीजिंग है तो वेयर दिस फंक्शन इज इंटरसेक्टिंग टी एक्सिस, ये इंटरसेक्ट करेगा टी एक्सिस को, चेक कर सकते हैं, दैट शुड बी डिवाइजर ऑफ 2, तो 1 इसे चेक सेटिस्फाई कर रहा है, इसका मतलब बिफोर 1 दिस इज ऑलवेज नेगेटिव। मतलब ये हुआ कि टी पावर 5 प्लस टी क्यूब माइनस 2 लेस देन इक्वल्स टू 0 अगर हमें हर x के लिए चाहिए, तो t की वैल्यू हर हालत में 1 से छोटी होनी चाहिए, t की वैल्यू हर हालत में 1 से छोटी होनी चाहिए, ठीक है। तो t है किसके इक्वल, t की वैल्यू है किसके इक्वल, t इज इक्वल्स टू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5ax माइनस 99, ये टी की वैल्यू हमारे पास है। ये लेस देन इक्वल्स टू 1 होना चाहिए फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू आर, बट दिस इज क्वाड्रेटिक और इसमें लीडिंग कोएफिशिएंट नेगेटिव है, यानी कि हम इसे कंपेयर कर सकते हैं किससे, पैराबोला से। ये जो पैराबोला होना चाहिए वो या तो ऐसा होना चाहिए या एक्स एक्सिस को ज़्यादा टच कर सकता है। तो इसकी कंडीशन नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस क्या हैं इसके लिए, नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशंस हैं कि क्वाड्रेटिक एक्स स्क्वायर प्लस 5ax माइनस 100, दिस क्वाड्रेटिक ए शुड बी नेगेटिव विच यू कैन सी इट इज, एंड इट्स डी शुड ऑल्सो बी लेस देन इक्वल्स 0। तो डी मीन्स 5a स्क्वायर बी स्क्वेयर, 5a स्क्वेयर मीन्स 25a स्क्वेयर माइनस 4ac, माइनस 4ac दैट इज माइनस 400 लेस देन इक्वल्स 0। फ्रॉम हेयर वी कैन चेक दैट ए स्क्वेयर शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 16, विच इम्प्लाइज मोड ऑफ ए लेस देन इक्वल्स टू 4, एंड ए इज लाइंग बिटवीन माइनस 4 टू, ए इज लाइंग बिटवीन माइनस 4 टू 4। अब क्वेश्चन हमारे पास क्या है, क्वेश्चन इज नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच ए बी होल पार 5 ट्रेस ए बी होल पार क्यूब लेस देन इक्वल्स टू 4 ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, नंबर ऑफ इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए, इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए चाहिए हमें, तो इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ ए क्या आ जाएंगी हमारे पास, माइनस 4 माइनस 3 माइनस 2 0 1 2 3 4, हमारे पास टोटल 9 वैल्यूज आ जाएंगी, सो 9 इज आंसर। होप यू एंजॉयड दिस वीडियो।